हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। कि दोस्तों, जब भी हमें मलाई से मक्खन निकालना होता है तो आपको पता है सर्दियों में हमें काफी दिक्कत आती है क्योंकि मक्खन बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आपने जब भी मक्खन निकालना है मलाई से, तो आप मलाई को पहले 1-2 घंटे के लिए बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें। जब ये मलाई नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने क्या करना है, उसके अंदर डालनी है आपने 1 चम्मच चीनी। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी मलाई को अच्छी तरीके से चीनी के साथ मिलाकर थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। और थोड़ी देर के बाद जब आप इसको फेटेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मलाई से घी बहुत ही आसानी से निकल आएगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है ग्लव्स को लेके। दोस्तों, सर्दियों में हम सब ग्लव्स तो वियर करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब हम इनको धोकर डालते हैं तो ये आसानी से सूखते नहीं हैं और सूखने में इनको काफ़ी दिन लग जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी मोटे होते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि जिसकी मदद से आपके ग्लव्स मिनटों में ही सूख जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप ग्लव्स को अपना धो लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेने हैं इस तरीके से न्यूज़पेपर के आप इस तरीके से पीसेस कर लें। तो आपने क्या करना है, एक पीस जो है आपने अपने ग्लव्स के अंदर इस तरीके से डाल देना है। इस तरीके से आप न्यूज़पेपर के एक पीस को अच्छी तरीके से ग्लव्स के अंदर डाल दें। तो अब हम क्या करेंगे कि एक और लंबा न्यूज़पेपर का पीस लेंगे और इसके अंदर ग्लव्स को इस तरीके से डालकर अच्छी तरीके से लपेट देंगे। दोस्तों, अक्सर हम कुकर में खाना तो बनाते ही हैं और खाना बनाने के बाद काफ़ी देर तक हमारा कुकर गर्म रहता है। तो आपने क्या करना है, जब आप खाना बना लें और उसके बाद आपने इस ग्लव्स को अपने कुकर के ऊपर इस तरीके से सेकना है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमने जो इसके अंदर न्यूज़पेपर डाला है वो इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और जो इसके बाहर हमने न्यूज़पेपर लगाया है वो इसके बाहर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और थोड़ी सी हीट के कारण आप देखेंगे कि आपका जो ग्लव्स है बहुत ही आसानी से मिनटों में ही सूख जाएगा। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के मोबाइल के केस को लेके। दोस्तों, जब भी हम नया मार्केट से मोबाइल लेकर आते हैं तो इस तरीके के बॉक्स में आता है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, मोबाइल को यूज़ कर लेते हैं और इसके बॉक्स को इस तरीके से ही फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से आप अपने मोबाइल केस को खोल लें और उसके बाद आपने लेनी है डबल साइडेड टेप। और डबल साइडेड टेप लेकर हम क्या करेंगे, इसके बैक साइड के ऊपर हमें लगा देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके बैक साइड पे 3 डबल साइडेड टेप को लगा दिया है। चलिए दोस्तों, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अब इसको मैं लगा दूंगी अपनी वॉल के ऊपर। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम छोटे घर पे रहते हैं या किराए के मकान पे रहते हैं तो हमारे पास स्पेस की काफ़ी कमी होती है और हमारे पास कुछ डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं जिनको कि हमें रखना होता है लेकिन हमारे पास जगह नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको दीवार पे लगाकर इसके अंदर कोई भी अपनी डेकोरेटिव आइटम को रखकर एज ए शोपीस इसका यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है स्वेटर्स को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे पास कुछ ऐसे स्वेटर होते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं या पुराने होने की वजह से हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज उसका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक स्वेटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है कोई भी आटा की थैली जो कि अक्सर हमारे घर पे होती है। तो हम क्या करेंगे, इस स्वेटर के अंदर डाल देंगे इस आटा की थैली को। ये देखिए, मैंने ये आटा की थैली जो है इस स्वेटर के अंदर डाल दिया है। इसकी ये जो स्लीव्स है, इस स्लीव्स को हम अंदर की तरफ को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और सेम ये जो दूसरी स्लीव है इसको भी हम अंदर की तरफ लाते हुए फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल दोस्तों हम कैसे करेंगे। दोस्तों, कई बार हमारे घर पे छोटे बच्चे होते हैं कि जब हम उनको बेड के ऊपर लिटाते हैं तो आपने देखा है वो सुसू कर देते हैं जिसके कारण हमारा सारा बेड गीला हो जाता है। और आप देख ही रहे हैं कि सर्दी का टाइम है, अगर हमारा बेड गीला हो जाए तो उसको सूखने में भी काफी दिन लग जाते हैं। इस तरीके से आप अपने बच्चों के नीचे बेड के ऊपर इसको बिछा के रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके बच्चों को बेड एक तो ठंडा भी नहीं लगेगा और अगर वो सुसू करते हैं तो इस स्वेटर के ऊपर ही करेंगे। और इसके अंदर हमें आटा की थैली डाली हुई है जिसके कारण आपका बेड जो है
है, नीचे से भी गीला नहीं होगा। इस तरीके से आपके दोनों काम हो जाएंगे, एक तो आपका बेड गीला नहीं होगा और दूसरा पुराने स्वेटर का भी इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है शॉल को लेके। दोस्तों सर्दियों में तो हम शॉल का इस्तेमाल करते हैं सर्दी से बचने के लिए, ज्यादातर हम क्या करते हैं शॉल को इस तरीके से ओढ़कर रखते हैं, लेकिन जब भी हम काम करते हैं तो क्या होता है शॉल हमारा बार बार नीचे उतर कर आता है, जिसको हमें बार बार सेट करना पड़ता है और जिसके कारण हमारे हाथ भी बंधे रहते हैं और हम काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसके लिए आपको ना सिलाई करनी पड़ी है ना ही कटिंग करनी पड़ेगी और इसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, जिससे कि आपके हाथ भी फ्री रहेंगे और आपको काम करने में भी काफी आसानी रहेगी। इसके लिए मैंने शॉल को इस तरीके से डबल में फोल्ड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है इधर की साइड से, हम लेंगे अपना दो गिट के हिसाब से, ये देखिए, और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब इसके ऊपर चाहे तो आप बटन की मदद से सिल भी सकते हैं या आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पर आपको सेफ्टी पिन लगाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर दो गिट के हिसाब से एक सेफ्टी पिन लगा ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है बीच में एक गिट। अब इस एक गिट के हिसाब से मैं लगा दूंगी इस पे दूसरी सेफ्टी पिन। आप चाहे तो तीनों सेफ्टी पिन एक जैसी लगा सकते हैं, मेरे पास अलग अलग थी तो मैंने अलग अलग का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमें सेम एक गिट लेते हुए इसके नीचे की साइड पे भी एक सेफ्टी पिन को लगा देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने तीन सेफ्टी पिन इस तरीके से लगा दी है। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा पोचू बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप अपने शॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके हाथ भी फ्री रहते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं और साथ साथ आप अपने ठंड से भी बचे रह सकते हैं। ये तो था दोस्तों फ्रंट लुक, मैं आपको बैक में भी दिखाती हूँ ये बैक में देखने में भी कैसा लगता है। अभी तो मैंने इसको फ्रंट में लिया है, आप चाहे तो थोड़ा सा स्टाइल चेंज करने के लिए आप इसको साइड में भी ले सकते हैं। इसके लिए आपने इसको धीरे से साइड में घुमाना है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको घुमा के थोड़ा सा साइड में कर लिया है। इस तरीके से आप इसको दो तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको सेंटर में रख सकते हैं, चाहे तो आप साइड में कर सकते हैं और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगले टिप में मैं चढ़ाने वाली हूँ अपने वाइपर के ऊपर रबड़ बैंड। हमें दोस्तों अपने वाइपर के ऊपर रबड़ बैंड क्यों चढ़ानी चाहिए, चलिए देख लेते हैं आज की अगली टिप में। दोस्तों अक्सर हम अपने किचन के स्लैब की धुलाई करते हैं, हम उसको पानी से क्लीन करते हैं, लेकिन जब हम उसके ऊपर नॉर्मल इस तरीके से वाइपर को लगाते हैं तो सर्दी होने की वजह से हमारी स्लैब है अच्छी तरीके से सूख नहीं पाती और कई बार क्या होता है कि हम अपने कमरे की या अपने घर की फर्श की सफाई करते हैं और हम उसके ऊपर वाइपर लगाते हैं तो भी हमारा फर्श गीला रहता है, जिसको सुखाने के लिए अक्सर हम पंखे का इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों में तो आपको पता ही है पंखा चलते ही हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। उसके लिए आप लें कोई भी कपड़ा, इस बात का ध्यान रखिए आपका कपड़ा सूती होना चाहिए। अगर आपका टॉवल वाला कपड़ा है तो बहुत बढ़िया रहेगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से वाइपर के ऊपर अच्छी तरीके से इस कपड़े को लपेट देना है और इसके बाद हम लेंगे एक रबड़ बैंड और रबड़ बैंड की मदद से इस कपड़े को हम सिक्योर कर देंगे, ताकि ये हमारा कपड़ा जो है इसमें से बिल्कुल भी हिले ना। चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद जब आप अपने स्लैब को साफ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्लैब जो है मिनटों में ही सूख जाएगी। इस तरीके से मैंने वाइपर के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया है। अब हम इसकी मदद से जब आप क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फर्श एकदम सूख जाएगा, आपको बार बार पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।